देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का सम ए प्लस बी कितना है 16, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है इसमें 8√3। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। फिर वो कह रहा है रिजल्टेंट ने एंगल कितना बनाया 90° विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का एंगल कितना है 90° है। क्लियर है यहाँ तक, रिजल्टेंट का एंगल 90° है, तो मैग्नीट्यूड ए एंड बी कितना है। तो देखो रिजल्टेंट का एंगल होता क्या है, टैन बीटा, टैन बीटा में बीटा कितना गिवन है 90, टैन 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड में कब आता है जो डिनोमिनेटर क्या होता है जीरो, अब याद आ रहा है डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट किया तो यहाँ से बी कॉस थीटा क्या आ गया माइनस ए, इस बी कॉस थीटा को रिजल्टेंट के अंदर पुट किया माइनस ए, तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, तो स्क्वेयरिंग करके ये एक इक्वेशन आ गई। ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो यहाँ से बी प्लस ए की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितनी 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए आ गया, बी प्लस ए आ गया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे क्या क्या वैल्यूज गिवन है और कैसे इसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, जो लोग बुक्स कर रहे होंगे उनके अनसॉल्व प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम भी आती होगी जरूर, बुक से ले रखी है सारी प्रॉब्लम। ठीक, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कह रहा है रिजल्टेंट है कौन सी दो फोर्सेस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो हमें आदत नहीं है ऐसे देखने की, हमें आदत है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, हमें आदत है रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, वो कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज दिस, ये रिजल्टेंट है। हमें आदत है आर देखने की, हमें आदत है कोई ए दे दे कोई बी दे दे एक आर दे दे और हम लिख दें आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना लो इस क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं अगर ये दो फोर्सेस हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी और इनका रिजल्टेंट इसके इक्वल है, तो बोलो दो वेक्टर में एंगल कितना है, इन दो फोर्सेस में एंगल कितना है इसके इक्वल है, प्रूव करो। अब एक बात बताओ, हमें जो आदत है उसमें चलते हैं, हमें आदत है ए प्लस बी का मतलब पी लिख लो, ए माइनस बी का मतलब क्यू लिख लो, और मुझे एंगल किस में निकालना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यानी कि ए और बी के बीच में, पी और क्यू के बीच में, तो आपको एंगल किस में निकालना है पी और क्यू के बीच में, और रिजल्टेंट को आर लिख लो। तो मेरे पास एक फोर्स पी है एक फोर्स क्यू है और रिजल्टेंट आर है, तो लिखो आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला लिख लिया, आर की जगह क्या पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की जगह क्या पुट करेंगे ए प्लस बी, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे ए माइनस बी, 2 into P into Q into cos of theta, ये स्टेप क्लियर है, कहाँ क्या पुट करना है, विजुलाइजेशन क्लियर है। तो इसके अंदर जब स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करके ये टर्म आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a square b square कैंसल, 2ab कैंसल, a square प्लस b square जब लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस a square प्लस b square, और मुझे cos theta निकालना है तो ये पूरी की पूरी टर्म इससे डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ गई, तो थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स, ये पूरा एंगल आ जाएगा कॉस, ये प्रूव करना है आपको। तो आगे तो मैथ्स है। हाँ जी बोलो सर, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आप डॉट प्रोडक्ट तब लेते हैं जब कोई भी टर्म आपको आई कैप और जे कैप के अंदर गिवन होती है, जैसे एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पर आपको ये मैग्नीट्यूड ही गिवन है, आप ले नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्केलर है, और डॉट प्रोडक्ट चलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा में, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन ही नहीं है तो कैसे लोगे, नहीं ले सकते। ओके सर ठीक है, तो ये टर्म आ गई आपके पास। नेक्स्ट है फाइंड, ये देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कितने लोगों समझ में आ गया कि एंगल जीरो है, आंसर जीरो है इसका, आ गया समझ आंसर, एक सेकंड देखते जीरो है।
इसमें ऐसा एलजेब्रा लगेगा ही नहीं। ए अच्छा बताओ, ओपन करने की बात कर रहे हो ना, तो लो ओपन करो, ए वेक्टर अच्छा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यार कितना कॉम्प्लेक्स है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना, एक लाइन में करेंगे, एक लाइन में ऐसे देखते ही आंसर जीरो आज के बाद। कैसे, मुझे एक आंसर दो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, ये रहा आपके पास ए वेक्टर, ये रहा आपके पास बी वेक्टर, एंगल मुझे पता नहीं क्या इनके बीच में, ये ऐसे बना लिया मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया मैंने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद एक नया वेक्टर आता है, इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन दोनों के राइट हैंड, ए क्रॉस बी थंब ऊपर, तो जो नया वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस करने के बाद, उसकी डायरेक्शन इन ए और बी के 90 पे होगी, मानते हो। तो सोचो अगर मैंने ए क्रॉस बी कर दिया, ए क्रॉस बी कर दिया, ये ए है ये बी है, क्रॉस करके ये आंसर आ गया ए क्रॉस बी, अब ये ए क्रॉस बी आंसर आ गया, इसका एंगल ए वेक्टर के साथ कितना है 90, तो जब मैं इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। अच्छा ऐसे समझ लो और आसान, सपोज करो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक सी वेक्टर आता है, तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख लिया, सी वेक्टर लिख लिया, सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो राइट हैंड रूल से ए वेक्टर और बी वेक्टर के 90 डिग्री पे आता है। तो एक बात बताओ, सी वेक्टर ए वेक्टर के 90 डिग्री पे है, तो अगर सी ए पे 90 डिग्री पे है तो इनका डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या देगा, जीरो, डन, कुछ करना ही नहीं है। जब भी एक क्रॉस प्रोडक्ट हो ए क्रॉस बी, तो आंसर आएगा एक नया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो पुराने वेक्टर के साथ हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, जीरो, क्योंकि पुराना वेक्टर और नया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे ही बनेगा। तो कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कुछ ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्शन से आंसर आएगा, क्लियर। ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्शन से सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर क्रॉस इन्वॉल्व होता है वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही लॉजिक लग जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120, दो वेक्टर में एंगल कितना है ए वेक्टर और बी वेक्टर में 120, रिजल्टेंट इज सी वेक्टर, अब रिजल्टेंट अपने मन में सी वेक्टर को क्या देखते हो, सी वेक्टर का फॉर्मूला बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर का सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई डाउट इसमें, तो रिजल्टेंट सी जो होगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का कितना है, सी वेक्टर। तो वो क्या कह रहा है कि प्रूफ करो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम आएगी, ये प्रूफ करो। अच्छा प्रूफ बाद में करते हैं, आप मुझे ये बताओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट ए वेक्टर बी वेक्टर का, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, मॉड ऑफ सी, सी वेक्टर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ 120, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और कॉस 20 क्या होता है फिजिक्स में, माइनस हाफ, टू से टू कैंसिल, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये स्टेप क्लियर है, सी का मैग्नीट्यूड क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। अच्छा अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, आज हमने किया था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है, पहले ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ये स्टेप समझ में आ रहा है, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और राइट साइड पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो ए लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट पे क्या चल रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आया यहाँ तक। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस 120, कॉस 120 क्या होता है, माइनस हाफ प्लस हो गया, तो ये क्या आ गया राइट साइड, ये क्या आ गया लेफ्ट साइड, कौन बड़ा, इसमें माइनस ए बी, इसमें प्लस ए, प्लस वाली टर्म बड़ी, तो ये वाली टर्म बड़ी और ये वाली टर्म छोटी, ये प्रूव करना है आपको। तो मेन चीज समझ में आ रही है कि सी वेक्टर की वैल्यू का मॉड कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड कैसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी, जो लोग असाइनमेंट कर एक्स्ट्रा कर रहे होंगे उनके रास्ते में आया ये क्वेश्चन, आया होगा, आया तो देखो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, हाँ किया हुआ है, बस यही चाहिए। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी, पी और क्यू नहीं है, पी और पी है, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज, तो रिजल्टेंट निकालना है, पी और पी दो फोर्सेस हैं और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है,
तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर टू पी पी कॉस थीटा। पी और पी है, पी और क्यू तो है ही नहीं, तो टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, टू पी स्क्वायर क्या आ गया कॉमन आ गया, क्या बना वन प्लस कॉस थीटा। अब आज ही मैथ्स का फॉर्मूला किया पहले भी यूज़ किया आज हमने, वन प्लस कॉस थीटा को क्या यूज़ किया था, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वही कॉस स्क्वायर कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर वन, ये रहा। तो अगर ये एंगल टू थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई टू है, तो वन प्लस कॉस थीटा इसके इक्वल है, तो वन प्लस कॉस थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अंडर रूट लोगे आंसर, ऐसे प्रूव करो। तो बीच बीच में ऐसा मैथ्स यूज़ होता जाएगा, स्पेशली अब आपको पता कैसे लगेगा, मैथ्स वालों को तो कुछ दिनों में अपना पता लग जाएगा, मेडिकल वालों को कैसे पता लगेगा, जब ये वन प्लस कॉस थीटा या वन माइनस कॉस थीटा की टर्म आ जाए, और प्रूव करने में क्या चाहिए हो, कॉस थीटा बाई टू आधा एंगल, तो आधे एंगल की प्रॉपर्टी ये मैथ्स के फॉर्मूले काम आएंगे, थीटा का थीटा बाई टू हो गया ना, तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन अगर आप कहो कि क्या पेपर में आएगा, नहीं मैंने इसको आता नहीं देखा, ऑब्जेक्टिव में है, हाँ हर ऑब्जेक्टिव बुक में है, इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैं ना इसको याद कर लेता हूँ, पक्का पेपर में आएगा, कभी नहीं आया, आएगा भी नहीं, आपको फिर कैसे इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी चीज़ क्लियर कर देगा आपको जो आपने शायद सोची नहीं होगी कभी। ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे की फिजिक्स का वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे हम सीधे जा रहे हैं ना, हमारी फिजिक्स का देखने का नज़रिया ही कुछ और हो जाएगा इसका, मतलब हम कहीं और ही दुनिया में चले जाएंगे। इस क्वेश्चन के बेस पे एक टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन, तो वो कैसे चलता है सर्कुलर, उसको कैसे विजुलाइज किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको उस दिन हेल्प करेगा। तो जब वो सर्कुलर स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की याद दिलाऊंगा, देखा हमने वेक्टर में क्वेश्चन किया था, आपको कि सर याद नहीं है पक्का, फिर मैंने उस सर्कुलर के अंदर ये क्वेश्चन लिखा होगा साइड पे, देखो ये क्वेश्चन था, आपको हाँ अब याद आ रहा है कुछ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हर साल का काम है, आप अकेले नहीं है, इक्का दुक्का को याद रहेगा, बाकी भूल जाएंगे, क्योंकि सर्कुलर होने में अभी डेढ़ महीना पड़ा है, यहाँ परसों तक की गारंटी नहीं है, और मैं डेढ़ महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने याद नहीं करना, आपने समझना है। अब क्या समझना है, इसको देखो, एक कार जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कार जाती जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं, यूनिफॉर्म है, कार की एक्सेलरेशन बोलो क्या है, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। कार जा रही है और उसने अपने डायरेक्शन चेंज कर ली, पहले ईस्ट जा रही है फिर नॉर्थ हो गई, स्पीड नहीं चेंज की, 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, आज की डेट में जीरो, 15 मिनट के बाद आप जीरो नहीं बोलेंगे, बस यही आपका नजरिया चेंज करना, वो ये क्या बात बनी, 15 दिन पहले कहते थे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, आज कहते हैं स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो नहीं, कैसे, डायरेक्ट। देखो दो चीज़ें ध्यान से, पहली हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया, हमने कभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की, तो वहाँ पर ये सोचने का मतलब ही नहीं था, और ना ही कभी क्वेश्चन आया, हमने सोचा ही नहीं, हमने कहा स्पीड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो मैं दो स्टेटमेंट्स बोलूँगा, पहली स्टेटमेंट, मेरी कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन चेंज हो गई, तो स्पीड में तो डायरेक्शन काउंट होती नहीं पहली बात तो, और स्पीड कभी भी एक्सेलेरेशन निकालती नहीं है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो स्पीड को तो देखो मत। अब सेम स्टेटमेंट वेलोसिटी से लेते हैं, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, अब वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, अब वेलोसिटी सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट क्यों है, 5 मीटर पर सेकेंड अगर गाड़ी चल रही है ईस्ट और फिर वेस्ट भी, डिफरेंट कैसे है, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेक्टर में क्या दो चीजें देखी जाती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो वो पूरी चीज चेंज मानी जाएगी, तो वेलोसिटी वेक्टर चाहे अपनी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो भी आप बोलेंगे वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पीड सेम है, गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रही है, लेकिन डायरेक्शन गाड़ी की चेंज हो गई, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर में चाहे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है यहाँ तक।
तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस. अब जब वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस तो देयर विल बी एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कब नहीं होती? जब वेलोसिटी वेक्टर अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता. पर अगर वेलोसिटी ने चेंज किया अपनी वैल्यू को, चाहे डायरेक्शन में चेंज किया, वैल्यू में नहीं किया, डायरेक्शन में चेंज, तो भी वो चेंज तो माना जाएगा. और अगर वो चेंज माना जाएगा तो एक्सेलरेशन फिर भी जनरेट हो जाएगी. तो मतलब कितना अजीब है, कार अभी भी 5 मीटर पर सेकंड में चल रही है, सिर्फ उसने डायरेक्शन चेंज की, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? यही क्वेश्चन है. अदरवाइज 1 सेकंड में बोलना देते कि कार की स्पीड तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है? एक्सेलरेशन है. तो क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ईस्ट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. इन 10 सेकंड वेलोसिटी चेंज हो गई कितनी? 5 मीटर पर सेकंड. लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई नॉर्थ. तो आपको क्या निकालना है? फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन. अब एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होती थी? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड वैल्यू बाय डेल्टा टी. तो अगर मैं आपको डेल्टा टी तो 10 सेकंड गिवन ही है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बता दूं, वैल्यू बता दूं, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी. अब डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा? वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर. भाई दो वेलोसिटीज हैं, पहले वेलोसिटी वी वन वेक्टर है, फिर वेलोसिटी वी टू वेक्टर है. अच्छा, वी वन वेक्टर क्या है? वी वन वेक्टर है 10 अलोंग ईस्ट. वी टू वेक्टर क्या है? 5 अलोंग ईस्ट. और वी टू वैक्टर क्या है? 5 अलोंग नॉर्थ. तो देखो डायरेक्शन चेंज होगी, तो वी वन वैक्टर वी टू वैक्टर चेंज हो गए. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन पे सारे वैक्टर्स ड्रॉ करते हैं. कैसे? मान लो एक कार जा रही है ईस्ट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन वैक्टर, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड. बन गया एक वैक्टर, इनिशियल वी वन वैक्टर बन गया. उसके 10 सेकंड के बाद इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज नॉर्थ. तो कायदे से मैं ये वेक्टर यहां ड्रॉ करना चाहिए था मुझे 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ. आप यहां कर लो या आप यहीं पे कर लो, कोई फर्क नहीं. क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की ना तो मैंने वैल्यू चेंज की, ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की. तो बेटर यही है, सारे वेक्टर कहां ड्रॉ कर लिए जाएं? ओरिजिन पे. तो हम क्या करते हैं, एक कार जा रही है वी वन वेक्टर टुवर्ड ईस्ट, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी v2 वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ. अब एक काम करते हैं, दो वेक्टर गिवन है, तीसरा वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं यहां से यहां जा रहा है. ये क्लोजिंग साइड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ट्राइंगल लॉ. कैसे? ये v1 वेक्टर है, ये डेल्टा v वेक्टर है, और v2 वेक्टर ट्राइंगल को क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है. तो ये v1 वेक्टर है, ये डेल्टा v वेक्टर है, तो ये क्या है? v2 वेक्टर, जो क्लोज कर रहा है. तो कौन रिजल्टेंट इन तीनों में से? v2 वेक्टर. ना पाइथागोरस नहीं लगानी इसमें कि बड़ा वाला साइड रिजल्टेंट है, ये कोई रूल नहीं है. ट्राइंगल लॉ अगर यही बोलता ना, दूसरा बैच में यही बोल रहा था, पाइथागोरस लगा दो, ट्राइंगल जो बड़ी साइड है वो रिजल्टेंट है. भाई अगर बड़ी साइड रिजल्टेंट है फिर लॉ बनाने की जरूरत क्या है? फिर ट्राइंगल लो, कह दो यही हाइपोटेन्यूज रिजल्टेंट है, लगाओ पहले अपना पाइथागोरस लगाओ, खत्म. ट्राइंगल लॉ बनाई इसलिए क्योंकि पता नहीं कौन सी साइड रिजल्टेंट है, वो डिपेंड करता है वेक्टर की डायरेक्शन पे. जैसे ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये से कंटिन्यू कर रहा है, तो ये क्लोजिंग साइड है. तो v2 वेक्टर रिजल्टेंट है v1 का और डेल्टा v का. तो v2 वेक्टर इज v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v. तो डेल्टा v क्या आएगा? v2 वेक्टर माइनस v. तो हमने भी क्या निकालना है? डेल्टा v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. अब एक चीज देखो, v1 वेक्टर पता है, v2 वेक्टर पता है. v1 वेक्टर v2 वेक्टर में एंगल कितना है? 90. एक इधर है, एक इधर है, एंगल क्या है? 90. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगाऊं ना, आपको डेल्टा वी वेक्टर पता लग चुका, दोनों वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन वेक्टर है. सब्ट्रैक्शन वेक्टर से डेल्टा वी का मॉड क्या निकलेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ वी टू स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90. तो बेसिकली मेरे को डेल्टा वी निकालने के लिए क्या करना पड़ना था? वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर. और वैसे भी अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आता, कोई टेंशन नहीं. आप मुझे बताओ, वी वन वेक्टर वी टू वेक्टर पता है? वी वन वेक्टर वी टू वेक्टर में एंगल कितना है? 90. मुझे क्या निकालना है? डेल्टा वी. और मैंने फर्स्ट वे से बता रखा है डेल्टा वी क्या होता है, वी टू माइनस वी वन. बस फर्क है, इस बार वेक्टर की फॉर्म में बोलना पड़ेगा, वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर. सीधा लिख दो, मत बनाओ डायग्राम, सीधा लिख दो. और अगर मैं ये पूछूं आज वेक्टर के अपने रिजल्ट से कि दो वेक्टर आपस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप लगाएं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वी टू स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू इंटू कॉस ऑफ 90. कॉस 90 क्या है? 0. तो क्या आ गया? डेल्टा वी का मॉड. तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया. डेल्टा वी के मैग्नीट्यूड को यहां पुट करके, टाइम को पुट करके सॉल्व करके आंसर एक्सेलेरेशन आ गई. अब इंपॉर्टेंट क्या है पूरे रिजल्ट में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कहूंगा, क्वेश्चन तो आए ना आए, ये समझ में आया कि सिर्फ इस गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी 90 डिग्री पे, फिर भी डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं आई. डेल्टा वी की कुछ वैल्यू आ गई जस्ट बाई चेंजिंग दी
डायरेक्शन, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया, अब यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन यही प्रूव कर रहा है, अगर गाड़ी अपनी सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर ले तो भी उसमें एक्सीलरेशन कैन बी जनरेटेड। क्लियर है यहाँ तक? बस ये समझ में आ रहा है, सफिशेंट है। जब आगे जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा समझा दूंगा, बट पॉइंट क्लियर है। और आखिरी क्वेश्चन आज के असाइनमेंट का, दो पुलीज हैं, दो पुली, एक पुली दो पुली, आप रस्सी लेके खींच रहे हो नीचे, किसे खींच रहे हो, बक्से को खींच रहे हो, इधर से और इधर से मैं खींचता हूँ, आप खींचो मैं खींचो, और फिर ये बक्सा ऊपर जाएगा। तो आपको ये पता है कि आप इस रस्सी को खींच रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ यू, बॉक्स ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो आपको बताना है वी और यू में रिलेशन क्या है, सच दैट ये एंगल है थीटा। ये ना क्वेश्चन वैसे फोर्स में आते हैं, मैंने डाल दिया इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव शीट्स में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये बुक में भी मिलेंगे, तो आप डाउट की फॉर्म में लेके आओगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने अभी एक हिंट दे देता हूँ। रस्सी जब खींची जाती है वो टाइट होती है, अगर रस्सी लूज हो गई ना उसमें बल पड़ जाएंगे, बल नहीं पड़ जाते तो खींचोगे क्या आगे से, तो टाइट होनी ज़रूरी है। तो ये रस्सी बिल्कुल टाइट है, टाइट रस्सी है। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे जिस वेलोसिटी से इस रस्सी को मैं खींच रहा हूँ उसी वेलोसिटी से ये रस्सी का एलिमेंट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि एक ही रस्सी है ना, तो रस्सी के लॉन्ग, स्ट्रिंग के लॉन्ग, वेलोसिटी की वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम। अगर एक रस्सी खींची जा रही है तो एक हिस्से की वेलोसिटी 10 है तो दूसरे की भी 10 है, तीसरे की भी 10 है, चौथे की भी 10 है, पांचवें की भी 10 है, तो यानी कि सारी वेलोसिटीज की सेम रहेगी। अब यहाँ की वेलोसिटी तो मुझे गिवन है कितनी, यू, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में। मुझे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी रस्सी की नहीं पता, पर मुझे बॉक्स के ऊपर जाने की वेलोसिटी पता है वी। अगर बॉक्स की वेलोसिटी वी है तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस वी का कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, याद है कॉम्पोनेंट, बोलो कॉम्पोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा। अब इस रस्सी की वेलोसिटी वी कॉस थीटा, इसकी यू, और दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम कर दो, और वी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ यू। तो ये देखो क्या कॉन्सेप्ट काम आया उसका, कॉम्पोनेंट्स का, कि कुछ नहीं किया, इसकी वेलोसिटी गिवन थी, इसकी निकालनी थी तो बॉक्स से निकलवा दी, क्योंकि अल्टीमेटली रस्सी बॉक्स को खींच रही है, तो इसका कॉम्पोनेंट लिया और इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे फोर्स में आएगा, मैं फोर्स के अंदर भी इसे समझा दूंगा।